बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने बात की कि मोदी जी वहां पहुंचे मिस्र में और मस्जिद में गए। मुझे एक शेर याद आ गया खुमार का कि हैरत है तुझको देख के मस्जिद में खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। ये नरेंद्र मोदी भारत में, उनको न कहीं मस्जिद दिखाई पड़ती है न कहीं मुस्लिम दिखाई पड़ता है, जबकि दुनिया के दूसरे नंबर का मतलब आबादी में है वो मुस्लिम भारत में है, और वो मुस्लिम है जो इस देश की संस्कृति से रूबरू है, उससे घुला मिला है, जिसकी अपनी खूबियां, वो अरब की तरह का भी नहीं, वो इजिप्ट की तरह का भी नहीं, वो विशुद्ध भारतीय है। लेकिन उसके प्रति कभी कोई हमदर्दी नहीं, कभी उसके आसपास भी नहीं भटकते। वो मोदी जी अगर इजिप्ट की मस्जिद में जा रहे हैं तो क्या ऐसा हो गया है? दूसरी बात, जो अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे मध्य प्रदेश में, और आपने भी कहा कि उनकी रद्द हो गई वो पूरी जो सड़क यात्रा होनी थी, आप इसको थोड़ा सा गोदी मीडिया के एंगल से कभी सोचा करिए। अगर ये गोदी मीडिया को मिल जाए टॉपिक, वो क्या करे? देखिए, मानसून मोदी जी के साथ पहुंच रहा है मध्य प्रदेश में, वो रोड शो हो या ना हो, इस गर्मी से राहत मोदी जी दिलाने वाले हैं। आप ये भी तो सोचिए, वो वैसे भी बहुत सारे उनके भक्त उनको अवतार कहते हैं, और ये वो मध्य प्रदेश है जहां उज्जैन में कालिदास हुआ करते थे, और मुझे तो कालिदास का वो मेघदूत याद आ गया। मेघदूत में जो यक्ष कहता है ना कि यहां यहां से आप गुजरेंगे, वहां यहां पे बरस जाना, वहां पे बरस जाना, तो मोदी जी भी उसी तरह से वो बादलों को लेकर के जा रहे हैं अपने साथ। वो पहले वो बादलों के बीच से उन्होंने वो हवाई जहाज गुजारने की बात की थी, लेकिन अब वो लेकर के जा रहे हैं मध्य प्रदेश। एक और बात आई थी कि साहब वो क्या इरादा है उनका, वो अपनी प्याज वाली जो ताई जी हैं, कचरा बनाया है इस देश में, और वो यहां से लेकर के मणिपुर तक, क्योंकि जितना ज्यादा वो कीचड़ होगा उतना ही उनके अनुसार कमल खिलेगा। कोई परवाह नहीं है और मोदी जी को कोई चिंता नहीं है कि आकर के उन्होंने पूछा देश में क्या चल रहा है। मैं अगर इसको बहुत हल्के में कहूं तो वो एक विज्ञापन आता है कि साहब फॉग चल रहा है, जैसा आप देश चाहते हैं वैसा ही चल रहा है, वे कोई अलग नहीं है, जो आपने जो आपका विजन है उसी के अनुसार चल रहा है। चारों तरफ निराशा है, बेरोजगारी है, भुखमरी के हालात हैं, लोकतंत्र तो रसातल पहुंच गया है, मणिपुर जल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यवसायी परेशान है, नौजवान भटक रहा है। ये है ना साहब जो आप देखना चाहते हैं? इससे ज्यादा तो आपने देखने की कभी उम्मीद नहीं की। आपको फर्क नहीं पड़ा जब 750 किसान शहीद हो गए, तब आपको लगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। अब वो तपस्या 7.5 कैरेट का जो डायमंड है, अब हम लोग तो उतना जानते भी नहीं है, गुजरात से नहीं, और गुजराती भाई हैं हमारे, वो व्यवसाय करना जानते हैं, कहां किसको कितना लेना देना है ये मोदी जी को आता है। अब वो क्यों दिया गया होगा ये भी हम लोग जानते हैं। वो ठीक है, एक कटसी होती है दो देशों के बीच में, लेकिन ये तो माना जा रहा है। अब मैं तो कोई विदेश नीति का छात्र नहीं हूं, मैं नहीं जानता कि ये उस कटसी में आता है कि नहीं आता है, लेकिन जरूर वो बात रही होगी। एक जमाने में ट्रंप साहब के लिए कहा था मोदी जी ने, ट्रंप ने यहां आकर के गुजरात में पूरा जलसा किया था, तो हो सकता है कि वहां भी कोई उम्मीदें हो। तो ये जो हालात हैं इस वक्त इस देश के, उसमें मोदी जी की उम्मीद से ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें बहुत कुछ बदल चुकी हैं। राजीव जी, पिछले दिनों कई सर्वे मैंने देखे हैं, कुछ चैनल के, मैं नाम नहीं लूंगा, कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं। 60 से 70% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को, मोदी जी को कहीं 30%, कहीं 40%। अब आप समझ सकते हैं, और जो लोग कहते थे कि साहब हम 50 साल राज करेंगे, माने उनको लगता था कि ये राजशाही है और हमको वो बादशाहत मिल गई है तो अब हम ही रहेंगे, वो भूल गए थे कि इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश के लोग
इस देश को चलाते हैं, सत्ता में वो कुर्सी पर आने जाने वालों की लाइन लगी होती है, आज आप हैं कल कोई और होगा। लेकिन ये जो तख्त नशी हैं, इनको लग रहा था कि बस हम ही हम रहेंगे और कोई नहीं होगा, तो शायद अब उनकी पेशानी पर बल भी पड़ रहा है, पसीना भी आ रहा होगा, वो कितना भी टेम्परेचर रहा हो, 22 रहा हो या 18 रहा हो, लेकिन ये हम जानते हैं कि अब पसीना तो छूट रहा है। और उसने पसीना छुड़वाया है जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश के लोगों को निर्भय बना दिया, जिस चीज की कमी थी, और वो खुद भी, आपने शुरू में जो वीडियो दिखाया कि अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, और वो डर जिस दिन निकल गया और जो निर्भय हो गया, जीत उसी की है। ये कविता की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि जो निर्भय है, जीत उसी की है, और राहुल गांधी ने इसका ऐलान कर दिया है। और अब मुश्किलें उनकी हैं जो इस देश को अपने तई चलाना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपने विचार के अनुसार चलाना चाहते हैं, संविधान के अनुसार नहीं चलाना चाहते। ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान की रक्षा के लिए नेहरू, गांधी, अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जो आएगा, ये देश उसी का इस्तकबाल करेगा और उसी को वहां पर बिठाएगा ताकि वो देश के लोगों की सेवा कर सके। जी राजी, भारत की संस्कृति की लगातार बात करते हैं, और इनकी भाषा से आप समझ सकते हैं कि संस्कृति को लेकर इनकी समझ क्या है, क्या सोचते हैं वो भारत की संस्कृति के बारे में। और इसीलिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जिस बात को बार बार कहते हैं कि ये उस धर्म और संस्कृति के खिलाफ हैं, ये उसके समर्थक या उसको कहीं बढ़ाने वाले नहीं हैं, जो असली मसला है जिसकी तरफ प्रशांत जी ने इशारा किया कि अगर 450 सीटों पर 1-to-1 फाइट हो जाती है तो क्या होगा, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी उस बात से कि रिजल्ट अभी आप उसका बता सकते हैं, ये बात 2019 में नहीं हो सकती। मैंने कई ऐसे विश्लेषकों को सुना जो कहते हैं कि अरे साहब, ये तो 19 में भी दिखाई पड़ रहा था, कई राज्यों में इस तरह के गठबंधन थे, और वो सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का कि साहब अगर गठबंधन से होता तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी 20 सीटों पर नहीं पहुंच पाती, सपा और बसपा का गठबंधन 25 साल के बाद होता है और माना जाता है कि उससे बेहतर कोई सामाजिक न्याय का समीकरण नहीं हो सकता। लेकिन असल में उसके बीच में जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री नहीं थी जो होनी चाहिए, वहां सिर्फ अर्थमेटिक था। अब मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस आई है और कांग्रेस जो काम कर रही है, इस देश के कई राज्यों में जो खासकर के क्षेत्रीय छत्रप रहे हैं उनके खिलाफ एक पूरे जनसमुदाय को किया गया इसी नफरत की फैक्ट्री के जरिए। मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश को आप देखें तो एंटी यादव पूरा सेगमेंट, और ओबीसी में जाटों के खिलाफ दलितों में ये जो काम किया गया, उसके बाद सपा और बसपा को अगर आप खड़ा भी कर देंगे तो फिर वो केवल अर्थमेटिक होगा, उसमें केमिस्ट्री नहीं होगी। और चुनाव हमेशा केमिस्ट्री के जरिए जीते जाते हैं, केवल अर्थमेटिक से नहीं। कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है कि इन दोनों के बीच के जो अपने दूरियां और अपनी जो विसंगतियां हैं उनको खत्म करने में बड़ा काम करेगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, या उत्तर प्रदेश हो, या झारखंड हो। तीसरी बात कि जो जनता का इस समय माहौल है उसको अगर आप देखिए, जो अभी आप मौसम की बात कर रहे थे कि मौसम कैसा है, और मोदी जी ने पूछा भी साहब कि क्या चल रहा है, मुझे एक शेर मैं अर्ज कर दूं कि हाल मौसम का ही पूछेगा वो जब पूछेगा, मुझसे कब मेरी उदासी का सबब पूछेगा। मोदी जी ने जनता की उदासी का सबब नहीं जाना, उसका नहीं पूछा। अब जो ये जो उदासी का सबब है ये केमिस्ट्री बना रहा है, और इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, शरद पवार, यहां तक कि उद्धव ठाकरे, मैं और नाम नहीं ले पा रहा, इतने सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। और ममता बनर्जी के बारे में जो अभी आप पैसे किसी ने कहा
ममता बनर्जी की भाव भंगिमा जरा देखिए आप, राहुल गांधी की पीठ पर हाथ रख करके जो कह रही है, राजनीति की अपनी भाषा होती है, आप लोग तो पत्रकार हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या वो लैंग्वेज है क्या जो लालू प्रसाद यादव ने धीरे से जो कहा। लालू प्रसाद यादव जो उनका अनुभव है, वो जब बोलते हैं वो लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन बोलते बोलते वो जितनी गहरी बात कह जाते हैं कि अब दूल्हा बनने का समय आ गया, वो अभी समय गया नहीं है। तो ये जो यहां लोग खोज रहे थे कि साहब वो घोड़ी तो तैयार है लेकिन दूल्हा कौन होगा, लालू प्रसाद यादव ने बता दिया कि दूल्हा कौन होगा। अब अगर इस बारात में शामिल होना चाहें तो सुशील मोदी भी हो जाएं, जेपी नड्डा भी हो जाएं, नितिन गडकरी भी हो जाएं, क्योंकि राहुल गांधी तो वो हैं जो जिनके लिए जिन्होंने तो अपनी दुकान खोल रखी है मोहब्बत की। अब वो बात अलग है कि उस मोहब्बत की दुकान में अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं दिख रहा है, वो वहां जो ढूंढना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं इस तरह से। वहां तो जो कबीर की जो भाषा है ना, जो संतों ने कहा कि आपको मन भी साफ करना पड़ेगा अगर आपको उसको पाना है तो। अब केजरीवाल साहब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी ने दो टूक कह भी दिया है तो मौसम तो राजीव जी इस तरह का है और यही मौसम केमिस्ट्री भी बना रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि 18 और 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी वो पसीना यहां से निकलता है, वो दिखता है और ये दिखेगा, मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, कर्नाटक में तो दिख ही चुका है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी दिखेगा और छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो है ही सामने, और तेलंगाना में भी परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना में कांग्रेस